नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं शलोनी सोलंकी जी से, जो कि नोएडा की विधानसभा सीट से अपने दावेदारी रखती हैं, मांग रही हैं, टिकटें मांग रही हैं। उनसे वार्ता करते हैं, वो पार्टी में कब से जुड़ी हुई हैं और आगे की उनकी क्या रणनीति है। मैडम, अपने विषय में हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि आप पार्टी में कब से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के सबको नमस्कार करती हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे साथ आए और मतलब हमारी पार्टी की कुछ बात सोचने या समझने के लिए आप यहाँ आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। शर्मा जी, पार्टी में तो पैदाइशी कांग्रेसी हूँ, तब से मैंने आँख खोली है हमेशा घर में कांग्रेस का ही नाम सुना है, किसी दूसरी पार्टी का नाम नहीं सुना। बाकी 2.5-3 साल से मैं सक्रिय हुई हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए एज ओ कार्यकर्ता। 2.5-3 साल तो हो ही गया मेहनत करते करते, चाहे वो कोई भी आंदोलन है, कोई मीटिंग है, कोई धरना, कोई प्रदर्शन, प्रशासन से भिड़ना है, सब मैं आपको मौजूद रही हूँ। जितना भी हुआ है संगठन को मजबूत करने के लिए मेहनत की है। अभी आप जो है नोएडा की जो विधानसभा सीट है उससे अपनी दावेदारी कर रही हैं, टिकट मांग रही हैं, इस विषय में दर्शकों के लिए बताइए आप। देखिए, टिकट मांगने का मतलब ये नहीं है कि हमें टिकट मिल जाए और हम, या मतलब टिकट के आधार पे कुछ नया करें, ऐसा नहीं है। टिकट मांगने का मतलब ये है कि मैं संगठन को मजबूत कर रही हूँ। अगर पार्टी मुझे उस लायक समझती है और अगर मुझे टिकट मिलती है तो मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए रात दिन एक करूंगी और संगठन को मजबूत करूंगी। जो हमारी लीडर प्रियंका दीदी इतनी मेहनत कर रही हैं, डोर टू डोर जा रही हैं और हर प्रशासन से भिड़ रही हैं, छोटी से छोटी बड़ी, छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात को लेकर के, तो बस हम भी वही काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। और जो युवा बेरोजगार है, जो इतनी पढ़ाई करने के बाद भी सड़कों पे घूमते फिरते हैं, इतनी महंगाई है, क्या आप देख रहे हैं कि महंगाई उस चरण तक जा रही है कि आम आदमी चैन से जी नहीं पा रहा है। इस महंगाई से अमीर आदमियों को तो ना कल फर्क पड़ता था ना आज फर्क पड़ता है, जो फर्क पड़ता है वो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले होते हैं, फर्क उन पर पड़ता है, आम जनता पर पड़ता है, जो गरीब हैं, बहुत लो तबके के लोग हैं, उन पर फर्क पड़ता है। तो बस अगर मेहनत से हमारी सरकार बन जाती है तो इन्हीं मुद्दों पे काम करेंगे। बहुत सारी प्रतिज्ञा ली है आप जानते हैं, एक आध बताइए। जैसे कि महिलाओं को साल में 3 सिलेंडर फ्री है, कोरोना का कर्ज माफ, लाइट का बिल हाफ, बस यात्रा फ्री, युवाओं को रोजगार, लड़कियों को इंटर के बाद स्कूटी और स्मार्टफोन, तो बहुत सारी प्रतिज्ञा है जो प्रियंका दीदी ने ली है। अभी 135 अभी क्या हुआ है, आपके देखने को मिल रहा है कि पार्टी में अंदर खाते कलह चल रही है, कहीं पार्टी के एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ताओं के पोस्टरों को, होर्डिंगों को फाड़ रहे हैं, इस विषय में अब आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस विषय में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस इतना है कि जो इतना घटिया और गंदा काम कर रहे हैं वो उनकी गंदी सोच है, लेकिन हमें अपनी सोच गंदी नहीं करनी है, हमें अपनी सोच उनसे कहीं ज़्यादा ऊंची रखनी है और बहुत बड़ी सोच रखनी है, क्योंकि ऐसा करने का मतलब है पार्टी को कमज़ोर करना, पार्टी का विरोध करना। और हम पैदाइशी कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम ऐसा इतनी घटिया सोच रख के अपनी पार्टी को कमज़ोर नहीं करना चाहते, इसलिए जो कर रहे हैं करने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से।